हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अदर एपिसोड ऑफ फार्मिंग सिमुलेटर 22। तो भाई साहब, हम लोग वापस से आ चुके हैं अपने फार्म के अंदर और आज हम लोग जो है हार्वेस्ट करने वाले हैं अपना केनोला, और उसके बाद हम लोग हार्वेस्ट करेंगे अपनी ये वाली कैरेट्स। यहाँ पर हमने कैरेट्स लगाई हैं भाई। और अपना सोयाबीन्स कब रेडी होगा भाई, एक सेकंड मुझे सोयाबीन्स का देखने दो, कब रेडी होता है सोयाबीन्स। ये रहा सोयाबीन्स। हाँ भाई, सोयाबीन्स तो कैरेट्स के साथ ही रेडी होगा ना भाई, आई थिंक। नहीं, कैरेट्स पहले रेडी हो जाएंगी, नेक्स्ट मंथ में हम लोग कैरेट्स जो है वो कर पाएंगे हार्वेस्ट। और ये फर्टिलाइज्ड है अभी थोड़ा थोड़ा तो, और ये देखो भाई कहीं से उबड़ खाबड़ सा बना पड़ा ये भाई साहब, हमने इसको लगाने में थोड़ी गड़बड़ कर दी, लेकिन चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अभी इसको हम लोग थोड़ा थोड़ा, अभी ये फर्टिलाइज्ड नहीं है ना भाई, नीड्स रोलिंग, इसको रोलिंग की जरूरत है। और ये 100% फर्टिलाइज्ड है भाई, और ये 50% फर्टिलाइज्ड है। तो एक काम करते हैं, इसको हमने आई थिंक फर्टिलाइज किया था, हाँ लास्ट टाइम इसको हमने करा था भाई फर्टिलाइज्ड। तो ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं भाई सबसे पहले अपना सोयाबीन्स को, नहीं भाई सोयाबीन्स को नहीं, कैनोला को हार्वेस्ट करने के लिए। तो अभी के लिए हम लोग जाना अपने इस हार्वेस्टर को करते हैं स्टार्ट और इसकी लाइट्स को करते हैं ऑन। ये देखो भाई, ये लाइट अपनी ऑन हो गई है, और अभी फटाफट से जो है ना इसको हम लोग यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। और एक सेकंड भाई, इसको यहाँ से अपने को थोड़ा सा रिवर्स, ये टकराएगी भाई, मुझे पता था ये टकराएगी। इसको ना फुल एकदम कट के, अबे भाई इसको ना यहाँ पर से ये हेडर अटैच करना है मुझे। ओके, इसको अभी शायद ये हो जाएगा। यस यस, अभी हो गया भाई साहब। ओके, अभी इसको हम लोग ना यहाँ से एकदम सीधा सीधा ले चलते हैं। ओके भाई, देख रहे हो कितना वाइड है अपना ये वाला हेडर, और यहाँ से लेके चलते हैं। चलो कोई नहीं, अपनी फसल खराब नहीं होगी भाई, तो इसको ले चलते हैं हम लोग। ओके, अभी के लिए ना इसको हम लोग यहाँ पर लेकर चलते हैं केनोला की फील्ड में। ये रहा अपना केनोला, और इसको मैं अनफोल्ड करता हूँ फटाफट से, इसको यहाँ से लोअर करते हैं और टर्न ऑन करते हैं भाई साहब। और यहाँ से जो है ना इसको हम लोग लगा देते हैं, और इसको मैं ना AI वर्कर को कर देता हूँ हायर। अबे भाई ये किधर जा रहा है, अबे यार भाई साहब ये इसको क्या तकलीफ है भाई, ये क्यों नहीं AI वर्कर ठीक से काम करते। ठीक है, एक काम करते हैं, इधर साइड को हम लोग लगा के चेक करते हैं, शायद इधर साइड को ठीक से काम कर ले। और अभी के लिए ना इधर साइड को लगाते हैं, शायद अभी यहाँ से इस साइड को ये ठीक से काम कर लेगा भाई। हाँ अभी ये ठीक से काम कर रहा है, और देखो भाई साहब इसके अंदर बहुत सारा अपना केनोला हो रहा है। ठीक है, अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं। और अभी मुझे ना अपनी कैरेट्स के लिए एक चीज देखनी थी भाई, कहाँ गई कैरेट्स। तो भाई मैंने एक मोड डाला था कैरेट्स के लिए, मेरे को वो मोड दिख नहीं रहा भाई, पता नहीं कहाँ। बहुत सही मोड मैंने ढूंढ के डाला था भाई, मुझे अभी वो देखना है कहाँ चला गया भाई। तुम लोगों को भी मजा आएगा भाई साहब देखना, अभी मैं तुम लोगों को ढूंढ के दिखाता हूँ कहाँ चला गया भाई वो। तो ये देखो भाई साहब, ये था वो मोड, और ये मेरे को भाई फाइनली मिल चुका है। और अपन लोग इसको क्या करें भाई, इसको खरीद लें क्या, या फिर इसको लीज पर लें? आई थिंक हम लोग इसको लीज पर ले लेते हैं। ठीक है भाई साहब, और ये यहाँ पर आ चुका है अपना ट्रक, इसकी डिलीवरी अपने को मिल चुकी है। और भाई ये ट्रक एकदम सही है भाई। तो ठीक है भाई साहब, ये अपना ट्रक अपने पास आ चुका है, और इसके अंदर अपने को लेबर भी मिली है, मतलब 5-6 लोग इसके अंदर अपने अपने पास लोग हैं, ये अपना काम करेंगे यहाँ पर से कैरेट हार्वेस्टिंग का। तो अभी के लिए ना हम लोग इसको यहाँ पर खड़ा रहने देते हैं, और जल्दी से चल के ना हम लोग अपनी हार्वेस्टर को देखते हैं कि वो केनोला को ठीक से हार्वेस्ट कर रही है या फिर नहीं। तो भाई अपने को सबसे पहले केनोला हार्वेस्ट करना है, उसके बाद अपने को कैरेट्स का सोचेंगे। और ये सोयाबीन्स जो है ये अभी हार्वेस्ट नहीं करने, आई थिंक इसने अभी तक छोड़ा तो नहीं है कुछ, उधर साइड से थोड़ा सा छोड़ा एरिया। और एक सेकंड भाई, इधर से इसने एरिया क्यों छोड़ दिया, हेलो भाई इसको क्या तकलीफ है, ये वाला एरिया इसने क्यों छोड़ा भाई। चलो इसके अंदर बैठते हैं और देखते हैं भाई अपना बंदा सही से काम कर रहा है या फिर नहीं। तो भाई ये बहुत बड़ा फील्ड है, इसको ना हम लोग ये काम करते हैं खुद ही हार्वेस्ट करते हैं, और इसको मैं ना फटाफट से हार्वेस्ट करता हूँ, और उसके बाद तुम लोगों को दिखाता हूँ भाई ये पूरा का पूरा खेत हम लोग हार। वो हार्वेस्टिंग वाला काम जो है वो हो चुका है यहाँ पर, और इधर से हम लोग जो है वो अपने वर्कर को जो है ना वो हम लोग छुट्टी करा देते हैं, और हम लोग जल्दी से ना फटाफट से ये जो चीजें रह गई हैं, मतलब जो साइड पे रह गया सारा एरिया, उसको हम लोग कवर कर लेते हैं फटाफट से। और अभी जो है ना अपनी हार्वेस्टर वैसे भागती बहुत अच्छा है भाई, बहुत ज्यादा तगड़े तरीके से ये भागती है, और फटाफट से इसको लोअर करते हैं। और भाई इसकी स्पीड जो है वो 41 की है, और आई थिंक इधर से ये थोड़ा रह जाएगा।
ठीक है भाई, थोड़ा बहुत अगर रह भी गया तो खैर है, कोई बात नहीं, उसको हम लोग ऐसे ही भाई कर लेंगे, यूं ही मतलब कल्टीवेट कर देंगे। थोड़ा बहुत अगर रह गया तो खैर है, नो प्रॉब्लम भाई। तो अभी फटाफट से ना हम लोग ये सारा एरिया जो है ना, ये रह गया है जो, इसको कर लेते हैं फटाफट से। ये देख रहे हो तुम लोग भाई, अंदर से क्या मस्त वाला व्यू आता है भाई साहब। और जल्दी से ना ये जो थोड़ा सा, अबे भाई 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 भाई, भाई ये छूट गया था भाई, गलती से सी दबाने के बजाय वी दबा दिया मैंने, और ये जो है ना एरिया अभी छूटने वाला था काफ़ी ज़्यादा। तो अभी इधर साइड पे भी अपनी थोड़ी सी क्रॉप्स रह रही है, तो भाई इसके ऊपर हमने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया हुआ है, तो इसको हम लोग ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे। तो अभी जो है ना इधर साइड में चलते हैं हम लोग। ओके डन डन डन, ठीक है भाई साहब, यहाँ पर ये हो गया। इधर साइड से थोड़ा थोड़ा रह रहा है, अभी इधर से नहीं रहना चाहिए। ओके अभी ये आई थिंक नहीं टकराएगा, हाँ नहीं टकराया भाई। देखो आपके भाई का एकदम एक्सपीरियंस हो रहा है हार्वेस्टर को चलाने का भाई। मुझे लगता है कि मुझे गेमिंग छोड़ के ना भाई ये हार्वेस्टर पे ड्राइवर ही लग जाना चाहिए, हम लोग यही काम करेंगे, यही बेस्ट है। तो ठीक है भाई, अभी यहाँ से अपने हेडर को उठा लेते हैं और जल्दी से जो एरिया रह गया ना, ताकि अपनी मशीन थोड़ी सी फास्ट चले, तो ये इसको भी कर लेते हैं हम लोग फटाफट से। ऑल राइट भाई, तो मैं ना नेक्स्ट जो एपिसोड आएंगे ना फार्मिंग सिमुलेटर के, वो हम लोग भाई एक और मैप जो है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। ये वाला मैप हम लोग अब और कंटिन्यू नहीं करेंगे, क्योंकि भाई ये वाला मैप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है और इस पर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो रही है भाई। इस पर बिल्कुल भी जो है ना वो मैं कंफर्टेबली काम नहीं कर पा रहा, इस पर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क हो रहा है। तो मैं ये वाला मैप जो है इसको छोड़ने वाला हूँ, हम लोग कोई और अच्छा सा मैप स्टार्ट करेंगे जिसमें मतलब सही से फील्ड वगैरह बने और अपने को इतनी ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो ठीक है, अभी जल्दी से ना हम लोग अपनी हार्वेस्टर को यहाँ से ये सारा एरिया कर लेते हैं हार्वेस्ट, और इधर साइड भी थोड़ा सा रह गया, और उसके बाद इसको हम लोग डाल देंगे डायरेक्ट अपने ट्रैक्टर और ट्रेलर के अंदर डाल देंगे, और इसको चल के अभी हम लोग सेल नहीं करेंगे। तुम लोग मुझे बताना, या फिर हम लोग इसको कर दें सेल, कैनोला को हम लोग कर देंगे सेल, इसका ऑयल वगैरह हम लोग नहीं बनाएंगे हम लोग। अबे एक सेकंड भाई, यहाँ पे अटक रहा था इस वाले ट्री के साथ, चलो अभी हम लोग थोड़ा साइड से निकाल लेते हैं। ओके अभी ये हो गया, इसके बाद हम लोग ये वाली लाइन करेंगे। ओके इसको पहले कर लेते हैं हम लोग। ऑल राइट ठीक है, ये हो गई ये वाली लाइन भी, और उसके बाद ये जो थोड़ी सी लाइन इधर साइड में रह गई इसको कर लेते हैं, और भाई फिर हम लोग चल के अपना केनोला सेल करते हैं और सो जाते हैं। जैसे ही एक मंथ गुजरेगा तो भाई हम लोग अपनी जो कैरेट है वो भी हार्वेस्ट के लिए रेडी हो जाएगी, और हम लोग भाई कैरेट्स को इस बार बहुत ही डिफरेंट और यूनिक तरीके से हार्वेस्ट करने वाले हैं भाई, तुम लोग हैरान हो जाओगे देख कर, आई चैलेंज यू गाइज। तो भाई जल्दी से जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से भाई वीडियो को अभी तक जिसने लाइक नहीं किया वो लाइक कर दे फटाफट से, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो लोग नए हैं भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा, ताकि भाई आने वाली वीडियोस जो है वो तुम लोग मिस ना करो। चलो ठीक है भाई साहब, अभी इसका हम लोग पाइप आउट कर लेते हैं, इंजन इसका मैंने कर दिया है बंद, और अभी जो है ना अपन लोग जल्दी से फटाफट से ना इसको चल के डाल भाई, बहुत बढ़िया अपनी ये हार्वेस्टर। ओके जॉन डियर की हार्वेस्टर भाई, कोई मजाक थोड़ी है। ये देखो भाई ये अपना जा रहा है कैनोला, कैनोला जा रहा है। तो अभी जो है ना हम लोग कैनोला इसके अंदर सारा ट्रांसफर करके अपनी हार्वेस्टर को चल के खड़ा कर देते हैं वापस से, इसका हम लोग करते हैं पाइप आउट, और इसको ना मैं जल्दी से एक काम करता हूँ भाई एक सेकेंड। तो ठीक है भाई, इसको हम लोग भेजते हैं अभी सीधा, और मैं इससे नीचे उतर जाता हूँ और देखते हैं कि ये सही सलामत वहाँ पर ले जाता है अपना वर्कर या फिर नहीं, और भाई ये किधर से लेकर जा रहा है। ओके हम लोग अपने इस वाले न्यू हॉलैंड को लेकर चलते हैं, इसके पीछे 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 चलते हैं एकदम तगड़े तरीके से। और भाई ये न्यू हॉलैंड अपना कितना सही चलता है भाई, देख रहे हो इतना ज्यादा, लगभग 24,000 लीटर इसके अंदर कैनोला है अपना, और भाई देख रहे हो इसको एकदम आराम से खींच के लेके जा रहा है भाई, और वो अपना वर्कर क्या कर रहा है भाई, वो देखो भाई वो क्या यूं 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 मछली की तरह कर रहा है भाई साहब। चलो ठीक है, वो अभी लेके जा रहा है और इसको ये अपनी हार्वेस्टर को यहाँ पर खड़ा कर देगा, और अपन लोग जो है ना बस ठीक है, उसने अपने हार्वेस्टर को इधर खड़ा कर दिया, और जल्दी से ये कैनोला हम लोग यहाँ पर करते हैं सेल। ओके और इसके अंदर मुझे व्हीली वाला मोड डालना चाहिए या फिर नहीं, मुझे कमेंट करके बताना, वैसे वो इतना सही नहीं लगता भाई। ओके तो यहाँ पर हम लोग करते हैं कैनोला को सेल, देखते हैं कितना पैसा अपने को मिलता है, और भाई पैसा तो काफी ठीक ठाक मिल रहा है भाई, लगभग $37,000 अपने को मिल गए भाई साहब, $37,000 समझ रहे हो। ओके इसको यहाँ से रिवर्स कर लेते हैं अपने ट्रैक्टर और ट्रेलर को, और इस वाले ट्रेलर को मुझे कहाँ पर खड़ा करना चाहिए भाई, मुझे वो तुम लोग कमेंट करके बताना यार। तो मैं ना अभी के लिए ना एक काम करता हूँ, इस वाले ट्रेलर को ना अभी के लिए ना हम लोग कहाँ खड़ा करें, यहाँ पर थोड़ा सा पीछे करके इधर साइड में अंदर में हम लोग लगा देते हैं। ओके ओके भाई इसको हमने यहाँ पर खड़ा कर दिया, और इधर से हम लोग एकदम आराम से इसको निकाल सकते हैं, और अभी हम लोग अपने इस न्यू हॉलैंड को लेकर चलते हैं। अबे भाई ठुकियो मत, आराम से इसको ले चलते हैं थोड़ा इसकी जगह पर खड़ा करने के लिए भाई, और अब जल्दी से इसके बाद हम लोग अपनी हार्वेस्टर को पार्क करते हैं और फिर हम लोग सो चलते हैं
भाई। और एक मंथ जैसे ही गुजरेगा ना, हम लोग वैसे ही अपनी कैरेट्स की जो फार्मिंग है मतलब उसको हार्वेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। तो अभी के लिए ना अपने इस वाले बीस्ट को यहीं पर ही खड़ा रहने देता हूँ मैं, और इसका इंजन करता हूँ ऑफ। और अभी फटाफट से हम लोग अपनी हार्वेस्टर को कर लेते हैं पार्क। चलो बैठते हैं हार्वेस्टर के अंदर भाई फटाफट से, फटैक से। ये देखो, ये फटैक से जंप मारी हमने, और इसको यहाँ से घुमा लेते हैं फुल स्टेयरिंग काट के। यूं यहाँ पर इसको फुल स्टेयरिंग काट के हम लोग यहाँ पर खड़ा कर देते हैं। ओके, ये डन। यहाँ पर हमने ये लगा उतार दिया अपना हेडर, और इसको जल्दी से ना हम लोग पीछे ले चलते हैं ऐसे ही एकदम आराम से अपनी इस वाली जॉन डियर की हार्वेस्टर को। ओके भाई साहब, तो फटाफट से इंजन करते हैं ऑफ और हम लोग निकल आते हैं बाहर। डन भाई साहब, ये अपनी हार्वेस्टर यहाँ पर लग चुकी है। और भी हम लोग भाई फटाफट से चल के सो जाते हैं, और जैसे ही नेक्स्ट मंथ आता है ना, हम लोग फिर जो है ना अपनी कैरेट्स को हार्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। तो भाई अपने पास लगभग $12,00,000 हो चुके हैं भाई, 1.2 मिलियन। और तुम लोग हैरान हो जाओगे भाई, ये पता है अपने को ये सारा प्रॉफिट कहाँ से मिला? भाई अपने पास बहुत सारा वुड का मैंने पेपर बनने के लिए रखा था यहाँ पर लास्ट टाइम, तुम लोगों को याद होगा लास्ट वाले एपिसोड में। ये देखो पेपर रोल बन रहा था अपना, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले ऑफलाइन इसको डायरेक्ट सेलिंग पर लगा दिया था। लगभग यहाँ पर 5,000 लीटर ये बना हुआ था भाई पेपर रोल, और यहाँ पर से ये लेटर्स और ये जितने भी अपने एप्पल्स थे ना, लगभग 10,000 लीटर थे। तो मैंने सारे के सारे देखो सेलिंग पर लगा रखे थे डायरेक्ट ही। तो भाई अपने पास $1.2 मिलियन हो चुके हैं भाई, देख रहे हो तुम लोग। अपन ने एक दिन के अंदर लगभग भाई $7,00,000 कमा लिया, मतलब एक दिन के अंदर अंदर, समझ रहे हो, मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट था ये। वो अपनी डेड इन्वेस्टमेंट थी जो अभी जाके वसूल हुई है भाई। और फटाफट से ना अब हम लोग जो अपनी कैरेट्स को आई थिंक हार्वेस्ट कर सकते हैं। एक सेकंड मुझे चेक करने दो, सीजन आ गया क्या? हाँ भाई, कैरेट्स को हार्वेस्ट कर सकते हैं हम लोग। तो जल्दी से भाई साहब अपने इस वाली गाड़ी को हम लोग लेते हैं। ये देख रहे हो भाई, ये अपने वर्कर अपने साथ बैठे हुए हैं। तो भाई साहब इस वाली गाड़ी से हम लोग जो है वो कैरेट्स को हार्वेस्ट करने वाले हैं। तो यहाँ से ना इसको मैं रिवर्स करता हूँ एक दफा, और हम उधर साइड से स्टार्ट करते हैं भाई, ताकि ईजिली अपनी जो हार्वेस्टिंग है ना वो हो जाए। देख रहे हो अपने ये वर्कर हैं, और भाई साहब इसको ना अपन लोग जल्दी से ना यहाँ पर करते हैं, इधर से नहीं थोड़ा आगे हम लोग ज्यादा चले गए हैं। ओके, इधर साइड से अपने को इसको करना है स्टार्ट, और अभी इसको हम लोग करते हैं अनफोल्ड। तो अभी हम लोग इसको कर देते हैं ऑन भाई साहब। ये देख रहे हो तुम लोग भाई साहब, ये देखो अबे भाई साहब ये देख रहे हो तुम लोग अपनी कैरेट्स जो है वो हार्वेस्ट हो रही है भाई साहब। तो भाई साहब देख रहे हो अपने पास, ये देखो कैरेट्स आ रही है। ओबे भाई साहब, ये सही है भाई, अपने पास लगभग 7-8,000 लीटर अपने पास कैरेट्स आज नहीं 800 लीटर हो चुकी है भाई, सॉरी 800 लीटर कैरेट्स अपने पास हो चुकी हैं। तो भाई ये देख रहे हो अपने वर्कर एकदम बढ़िया तरीके से ये कर रहे हैं इसको। और यहाँ पर क्या हम लोग AI वर्कर नहीं हायर कर सकते भाई, ये अपने को खुद ही करना पड़ेगा। तो अभी के लिए ना हम लोग यहाँ पर क्रूज कंट्रोल अपना ऑन करते हैं, और भाई साहब देखो तुम लोग, लुक एट दिस भाई। तो भाई यहाँ पर सामने वाली साइड पे ट्री आ गया है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा इधर साइड को मोड़ लेते हैं, मतलब मोड़ लेते हैं। तो आई थिंक ये खंबा अपने को दिक्कत दे सकता है, लेकिन चलो ठीक है, कोई बात नहीं भाई, हम लोग खंबे के साथ भी निपट लेंगे। एक दफा हम लोग यूं चलते हैं आगे, ठीक है। अभी खंबे से थोड़ा अपने को दिक्कत हो सकती है, तो हम लोग यहाँ से ना थोड़ा इधर साइड को टर्न ले लेते हैं। थोड़ा सा अपनी कैरेट्स अगर रह भी जाएंगी ना, तो कोई बात नहीं भाई, उसको हम लोग बाद में कर लेंगे। खैर है भाई, थोड़ा सा रह गई तो नो प्रॉब्लम। ओके भाई साहब, यहाँ पर अब हम लोग इस साइड से स्टार्ट करते हैं कैरेट्स की फार्मिंग को, मतलब कैरेट्स को हार्वेस्ट करना। और 85% हो चुका है ये, मतलब देख रहे हो तुम लोग भाई, ये एकदम सही तरीके से हो रहा है भाई साहब। वाओ, मतलब यार ये सही है भाई, ये बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग है। ये देखो अपने वर्कर भाई कैसे इसको कर रहे हैं हार्वेस्ट। तो यहाँ से अभी हम लोग इसको क्रूज कंट्रोल पे लगा देते हैं, और एकदम बढ़िया तरीके से हो रहा है भाई ये। और जैसे ये फुल होगा, क्या ये नीचे गिरेगा? तो भाई अभी चल के ना हम लोग अपनी कैरेट्स को डायरेक्ट सेल करके आते हैं भाई फटाफट से। और इसको एक बार मैं ना अनफोल्ड करता हूँ। ओके, यहाँ पर से हम लोग इसको ना यहाँ पर करते हैं अनफोल्ड, पाइप आउट करते हैं इसका, देखते हैं कि क्या ये यहाँ पर जाएगा। ओ भाई साहब, अपनी कैरेट्स यहाँ पर सेल हो रही है भाई, ये सही है भाई साहब, मतलब अपनी कैरेट्स इधर डायरेक्टली सेल हो सकती है। ओके भाई साहब, ये सही है, डन भाई। अभी अपना जो है ना ये काम यहाँ पर होता रहेगा, और हम लोग जो है वो फटाफट से ना ये इसको हमने सिर्फ ट्राई करना था भाई, ये हमने ट्राई कर लिया। और अभी जो है ना हम लोग अपनी कैरेट्स के लिए दूसरी वाली हार्वेस्टर लेंगे लीज पर, इसको मैंने लिया था। मतलब ये तरीका तुम लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना। अभी हम लोग दूसरी वाली मशीन को लेंगे, इधर साइड में थी वो कहीं पर। तो भाई ये वाली मशीन थी भाई साहब, और इसकी कैपेसिटी 60K की है ना, मल्टी फ्रूट हार्वेस्टर, और इसकी स्पीड जो है वो काफी अच्छी है। तो इसको कस्टमाइज करके इसको हम लोग लीज पर ले लेते हैं। और इसका कॉम्बिनेशन कहां पर है, ये रहा कैरेट्स वाला इसका हेडर 5.4 मीटर वाला, और ये जो है ना भाई साहब ये एक ही है इसकी, तो इसको भी हम लोग लीज पर ले लेते हैं।
लेते हैं। ठीक है भाई, डन, ये हमने ले लिया। और अभी जो है ना, फटाफट से हम लोग अपनी इस वाली मशीन के अंदर बैठते हैं। कहाँ गई भाई ये रही? नहीं भाई ये तो नहीं है, ये तो अपना ट्रैक्टर है, ये रही। तो इसका इंजन मैं फटाफट से करता हूँ स्टार्ट और इसको थोड़ा रिवर्स कर लेते हैं भाई। और इसकी स्पीड काफी ज्यादा तगड़ी है भाई, एकदम ये तगड़े तरीके से अपनी कैरेट्स को करेगी हार्वेस्ट। अबे यार, मैं हर बार ये उल्टी साइड से ही क्यों कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, ये वाली हार्वेस्टर के साथ ये वाला हेडर। अबे भाई साहब, इसको फटाफट से हम लोग कर लेते हैं अनफोल्ड और अब हम लोग इसको करते हैं अटैच। और अभी जो है ना, इसको हम लोग लोअर कर लेते हैं फटाफट से। तो भाई अभी हम लोग जो है ना, यहाँ पर एकदम तगड़े तरीके से, एकदम फास्ट वाले तरीके से कैरेट्स की जो फार्मिंग है ना, मतलब उसको हार्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। और इधर साइड से ये रही अपनी कैरेट्स और आई थिंक कि ये अपना काम अभी जल्दी हो जाएगा। वो काम बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग था भाई और बहुत ज़्यादा स्लो था। तो ये देखो भाई, यहाँ से अब हम लोग, हाँ भाई, अपनी कैरेट्स हार्वेस्ट हो रही हैं, ये देखो तुम लोग। ओके ओके ओके, इधर साइड में अपना फील्ड था, मैं कहाँ पर गलत साइड पे भाई हार्वेस्ट कर रहा हूँ। तो ठीक है भाई, फटाफट से इनको कर लेते हैं हार्वेस्ट अपनी कैरेट्स को, और उसके बाद मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ भाई कि अपने को कैरेट से कितना प्रॉफिट होता है। भाई ये मशीन काफी ज्यादा बड़ी है, लेकिन ठीक है, जो भी है, हम लोग इसको अभी यहाँ से कर लेते हैं हार्वेस्ट। अपने को अब करना तो है ना, अपना फील्ड वैसे इतना छोटा नहीं है, अपना फार्म इतना छोटा नहीं है कि हम लोग इसको यहाँ पर लगा ना सके। और अपने बस अभी देख रहे हो कितनी तेजी से भाई, कितना ज्यादा फास्ट अपने पास कैरेट्स हार्वेस्ट हो रही है भाई। मतलब लुक एट दिस भाई साहब, ये देखो कितना ज्यादा फास्ट तरीके से हम लोग अभी कैरेट्स को हार्वेस्ट कर पा रहे हैं भाई साहब। और अभी यहाँ से ना हम लोग यूं टर्न ले लेते हैं इधर को, यहाँ से सीधा सीधा, हाँ इसी लाइन में। ओके भाई साहब, ये सही है। अभी भाई पहले पहले स्टार्टिंग में ये कैरेट्स ने मेरे को बहुत ज्यादा तंग किया था जब मेरे पास ये वाला मॉड नहीं था, तो मतलब ये कैरेट्स बहुत ज्यादा ही तंग कर रही थी मुझे। तो अभी हम लोग यहाँ पर अपना AI वर्कर जो है उसको लगा सकते हैं भाई, ये देखना तुम लोग अभी। तो अभी यहाँ पर हम लोग अपने AI वर्कर को करते हैं हायर, और ये अपना AI वर्कर यहाँ पर करेगा हार्वेस्ट इनको। और ये देखो भाई साहब, ये एकदम सही तरीके से कर रहा है। जो थोड़ा सा एरिया ये छोड़ देगा ना, वो हम लोग भाई बाद में खुद कर लेंगे। तो फटाफट से तुम लोग ये टाइम लैप्स साहब, अपनी जो ये मशीन है ये पूरी की पूरी फुल हो चुकी है। और अभी जल्दी से हमें जो है ना वो लेकर आनी पड़ेगा अपना ट्रेलर, और जल्दी से मैं किसी एक ट्रैक्टर के अंदर बैठ जाता हूँ भाई। कौन से ट्रैक्टर में बैठूं? हेलो, ये कौन सा ट्रैक्टर है? हाँ ठीक है, चलो ठीक है, इस वाले अपने जॉन डियर को हम लोग निकाल लेते हैं फटाफट से, और जॉन डियर के साथ अपना वो ग्रीन वाला ट्रेलर जो है ना उसको अटैच कर लेते हैं, जो हमने अभी अभी खड़ा किया था थोड़ी देर पहले। वैसे वो ट्रेलर फेंडटी के कलर का है, लेकिन चलो, हमने कलर को क्या करना है भाई, अपने को तो बिजनेस करना है ना, बिजनेस फार्मिंग का बिजनेस भाई, समझ रहे हो। चलो इसको अटैच करते हैं फटाफट से और जल्दी से चल के आई होप सो कि इसके अंदर कैरेट्स आ जाएं। और भाई ये एकदम अपना ये जॉन डियर बहुत ज्यादा स्मूथ चलता है भाई। जॉन डियर का फैन कौन कौन है मुझे नीचे कमेंट करके बताना यार। तुम लोग अगर जॉन डियर के फैन हो तो भाई ठीक है, अपनी कैरेट्स जो है वो अपने इस वाले ट्रेलर के अंदर आ रही हो भाई। देख रहे हो, ओ भाई साहब 22,000 लीटर, 35, 36, 40,000 लीटर, भाई साहब कितनी ज्यादा कैरेट्स अपने पास आ रही है भाई। चलो ठीक है, अभी ये काम जो है ये तो यहाँ पर अभी अपना हो चुका है, और आई थिंक अभी मशीन वाले ने काम जो है वो खत्म कर दिया होगा। तो अभी इसका जो है ना वो हम लोग इसका इंजन स्टार्ट करते हैं, और इसको इधर साइड में चल के ना ये लगा लेते हैं। ये जो एक लास्ट लाइन एक दो रह गई है ना भाई साहब, एक सेकंड, यहाँ पर ये भी थोड़ी सी रह गई थी, इसको भी लगाना है। ये क्यों छोड़े भाई हम लोग, इधर साइड से ये वाली पूरी की पूरी लाइन रहती है, इसको भी करते हैं फटाफट से, एकदम फटैक से करते हैं फटाफट से। और भाई देखते हैं अपने को कैरेट्स का कितना पैसा मिलता है, और मैं कैरेट्स जो है ना ये सेल नहीं करने वाला, हम लोग कैरेट्स का ना सूप बनाएंगे भाई। मैंने सुना है कि कैरेट्स का सूप बनता है, और कैरेट्स का जो सूप है वो कहाँ पर सेल होता है भाई, मुझे
नहीं पता। वैसे एक काम करते हैं हम लोग ना, इसको टर्न ऑफ करते हैं और इसका पाइप आउट ही रहने देते हैं और ये मशीन हम लोग वापस कर देते हैं। अपनी कैरेट्स की जो फार्मिंग है ना वो तो हो गई है, अपना कैरेट्स को तो हमने हार्वेस्ट कर लिया है। ओके भाई, ये देखो ये अपनी कैरेट्स जा रही हैं। तो अभी ना हम लोग एक काम करते हैं, जो हमने ये मशीन ली थी ना लीज पर, इसको हम लोग कर देते हैं वापस, और ये हेडर भी जो है इसको हम लोग कर देते हैं वापस। ओके डन। तो फटाफट से ना अब हम लोग अपनी कैरेट्स को लेकर चलते हैं, और अपने पास 61,888 लीटर कैरेट्स अपने पास आ चुके हैं भाई, और जल्दी से चल के ये कैरेट्स अभी के लिए हम लोग सेल कर देते हैं। और अभी जो है ना मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग कोई और मैप स्टार्ट करें, तुम लोग मुझे कमेंट करके बताना कि कोई और मैप स्टार्ट करना चाहिए या फिर नहीं। तो ठीक है भाई साहब, अब मैं एक दिन में कोशिश किया करूँगा कि दो वीडियोस डाला करूँगा, जिस दिन कोई और गेम खेलेंगे साथ में, हम लोग फार्मिंग सिमुलेटर 22 भी खेला करेंगे, और देखते हैं इसका अपने को कितना माल मिलता है भाई। माल रोकड़ा चाहिए, रोकड़ा, और इसका अपने को मिला भाई $23,000। तो ठीक है, $23,000 अपने को मिल गए ना। ओके, यहाँ से हम लोग इसको रिवर्स कर लेते हैं भाई फटाफट से। और भाई साहब बहुत ज़्यादा आज लकी डे था अपने लिए, क्योंकि भाई अपने को आज जो है वो मिल चुके हैं लगभग 7-8 लाख डॉलर्स। तो ठीक है भाई साहब, अभी हम लोग ना एक काम करते हैं, इस वाले ट्रेलर को जो है ना हम लोग यहाँ पर एक साइड पे करके लगा देते हैं यहाँ पर। ठीक है ओके डन। ओके भाई, इसको हमने यहाँ पर लगा दिया, और एक सेकंड, क्या ये दरवाजा बंद नहीं होगा भाई? ये गलत जगह पे, गलत दिशा में हमने लगा दिया इसको। ओके, अब शायद गेट बंद हो जाएगा। अब हम लोग गेट को बंद करके चेक करते हैं भाई, गेट बंद होगा क्या? हाँ भाई, अब गेट बंद हो जाएगा। ओके, तो अभी फटाफट से अपने जॉन डियर को वापस लगा देते हैं, और भाई इस वीडियो को यहाँ पर एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना भाई, और जो है दूसरी गेम्स को भी ऐसे ही प्यार दिखाया करो। मैंने सीरीज जो है वो स्टार्ट करी हुई है, फार्मिंग सिमुलेटर 22 हम लोग नहीं छोड़ेंगे, ये जो अपनी सीरीज है ये भी ऐसे ही चलती रहेगी, ये थोड़ी मैं छोड़ने वाला हूँ। तुम लोग भाई टेंशन मत लिया करो, तुम्हारा भाई जो है वो फार्मिंग सिमुलेटर उसको भी बहुत ज्यादा पसंद है भाई, मुझे भी तो मजा आता है भाई फार्मिंग करने में। तो ठीक है भाई, जो किसान लोग हैं ना, जो लोग खेती बाड़ी करते हैं या जो लोग पंजाब से हैं या हरियाणा से हैं, वो मुझे नीचे कमेंट करके बताया करो यार। तो ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।